नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर एटीएस ने प्रोडक्शन वारंट पर आतंकी को लिया हिरासत में। 2021 में आया था नागपुर और आरएसएस भवन की थी रेकी। राजीव गांधी हत्या मामले में लिया एक बड़ा फैसला। एससी ने दोषी एजी पेरीरावलम की रिहाई का दिया आदेश। और मुंबई में सामने आया चाय में मिलावट का मामला। पुलिस ने की इस मामले पर कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। आतंकी रईस अहमद असदुल्ला शेख पिछले साल जुलाई में नागपुर आया था और उसने डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन परिसर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर रेकी की थी। बाद में उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर की रेकी के मामले में जैश ए मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया है। नागपुर एटीएस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से उसे प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया है। रईस अहमद असदुल्लाह शेख पिछले साल जुलाई में नागपुर आया था और उसने डॉक्टर हेडगेवार भवन और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। बाद में उसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पता चला था कि उसने ऐसा अपने पाकिस्तान स्थित आकाओं के कहने पर किया था। पूरी तरह से मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर निर्मित युद्धपोत आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव बंदरगाह में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। नेवी की ओर से बताया गया है कि इन वॉरशिप्स के लॉन्च के दिन देश स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना का गवाह बनेगा। दोनों ही युद्धपोत का डिजाइन नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है। दोनों की लॉन्चिंग के बाद रक्षा मंत्री ने कहा, उदयगिर और सूरत के सफल प्रक्षेपण के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जहाज निर्माण करेंगे। हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड का भी लक्ष्य रखेंगे। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश जारी किए हैं। ये उम्र कैद की सजा काट रहा था। राजीव गांधी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला अब लिया है। कोर्ट ने दोषी एजी पेरीरावलम की रिहाई का आदेश दिया है। एजी पेरीरावलम राजीव गांधी हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे दोषियों में से एक है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरीरावलम की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने दोषी की दया याचिका के निपटारे में अधिक समय लिया। पेरीरावलम ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला लिया है, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया। ये संविधान विरुद्ध है। इससे पहले 11 मई को हुई सुनवाई में केंद्र ने एजी पेरीरावलम की दया याचिका राष्ट्रपति को भेजने के तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं,
तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा होने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने के नीचे एक दबा हुआ शिवलिंग पाया गया है, जबकि दूसरे पक्ष ने इस दावे को खारिज किया है। फिलहाल मामले को लेकर विवाद शुरू हो चुका है और अब कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर अब फैसले का इंतजार है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तालाब में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में विराजमान नंदी चर्चा के केंद्र में आ गया है, जिसका मुंह मस्जिद के तालाब की ओर है। वाराणसी की तीन महिलाओं ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर सर्वे को आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा गया है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जिस जगह नंदी विराजमान है, उसके सामने की दीवार को तोड़कर वहां सर्वे कराया जाए। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि निचली अदालत की कार्यवाही में फिलहाल कोई भी दखल नहीं दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज पर रोक से इनकार कर दिया है, नमाज जारी रहेगी। साथ ही जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, वहां की सुरक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। अब वाराणसी कोर्ट में ही मामले की आगे की सुनवाई होगी। चाय की एक चुस्की से इंसान खुद को तरोताजा महसूस करता है। चाय की एक प्याली से लोगों की नींद भाग जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय बाहर पीते हैं वो मिलावटी भी हो सकती है। मुंबई पुलिस ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो चाय में मिलावट करते थे। पुलिस ने इनके पास से 430 किलो मिलावट चाय पाउडर और रंग जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम राजू अब्दुल जहर शेख और राहुल अब्दुल जहर शेख है। दोनों ही मुंबई के होलसेल डीलर को ये मिलावटी चाय सप्लाई करते थे। लगातार बढ़ती शिकायतों की वजह से टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा जाता है कि केमिकल कलर्ड चाय की आवक बाजार में काफी ज्यादा हो गई है। इन चीजों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की जरूरत है। इसी के मद्देनजर मुखबिर की सूचना के बाद मुंबई पुलिस ने FDA के साथ मिलकर रविवार को शिवड़ी इलाके में एक गोडाउन पर छापेमारी की, जहां से उन्हें ये मिलावटी चाय बरामद हुई। मुंबई पुलिस ने जब इस गोडाउन पर छापेमारी की तो उन्हें यहां कई बोरियों में भरी चाय बरामद हुई। इस जगह पर पुलिस को रंग और मिलावटी पाउडर भी मिला है। पुलिस ने पाया कि इस जगह पर कई बिल बुक और वजन तोलने वाली मशीन भी थी। जांच में पाया गया है कि गोडाउन के अंदर कई आर्टिफिशियल कलर और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों को भी रखा गया था। और अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात चुनाव से पहले दिया हुआ इस्तीफा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। गुजरात चुनाव से पहले हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वो कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। हार्दिक ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर साथी और गुजरात की जनता करेगी। मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। तो VKB की मॉर्निंग बुलेटिन में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।